अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के जमीन स्थानांतरण के बाद सपा सरकार द्वारा लगाए गए शिलापट को हटाए जाने के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम सिटी से मुलाकात कर शिलापट हटाए जाने पर विरोध दर्ज कराया। प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि गन्ना शोध संस्थान की भूमि को एम्स के लिए समाजवादी पार्टी के सरकार ने के निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा स्थानांतरित किया गया था और यहाँ पर एक शिलापट भी लगाया गया था जिसको वर्तमान में एम्स के कार्यदायी संस्था ने हटा दिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। सपा जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वहां से हटाए गए शिलापट को लगाए जाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया। हस्तांतरित करने के बाद एक शिलापट वहाँ लगा, जिस शिलापट में शिक्षा विभाग के जो तत्कालीन सचिव थी प्रदेश की डॉक्टर अनिता भटनागर IAS और एक और IAS जो सीनियर IAS उन लोग करके वहाँ जो पत्र में उन्होंने उसको बनाने की घोषणा करी और एक आशा कि हम इसके 1050 करोड़ रुपये उसको कार्यदायी संस्था के जो ठेकेदार हैं, क्योंकि दूसरा कोई आदमी जैसी भी लगा कि उसको नहीं करता, उन्होंने करवा करके और ऐसा फेंकवा दिया है कि मतलब अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे फेसबुक पर हमारे इस पर है क्या नाम है व्हाट्सएप पर कि फेंकवा करके पूरा विवाद पैदा करने जैसे ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में जो नवनिर्मित है उसकी ज़मीन को माननीय अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के तो 2016 में उन्होंने दिया था और गन्ना शोध संस्थान की सबसे कीमती ज़मीन गोरखपुर की उन्होंने दिया था। उस ज़मीन पर दिसंबर 16 को बाकायदे उसके हस्तांतरण का उद्घाटन हुआ था कि ये ज़मीन ट्रांसफ़र की जा रही है एम्स के लिए और माननीय अखिलेश यादव का उद्देश्य था कि गोरखपुर ऐसा हब है कि जहां बिहार तक के मरीज अटेंड होते हैं, जो नेपाल देश के मरीज अटेंड करता है मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, यहाँ बहुत इंसेफ्लाइटिस को लेके बच्चे मरते थे तो उन्होंने इसे चाहा कि एम्स यहाँ बने। वहाँ पर जो पत्थर लगाया गया था वो पत्थर द्वेषवश इस समय ठेकेदार वहाँ जो भी कार्यदायी संस्था है उसने जेसीबी से खुदवा दिया और 30 दिसंबर 16 के पत्थर को द्वेषवश वहाँ से खुदवा करके उसको तोड़ फोड़ दिया है, जिसको लेकर के समाजवादियों में आक्रोश है, ऐसे लोगों में आक्रोश है जो अखिलेश यादव में भरोसा रखते हैं। तो उसका ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, डीएम साहब को भी बताया है, एडीएम साहब को भी बताया है कि ये कल परसों तक उसको लग जाना चाहिए। अगर उस पत्थर क्षतिग्रस्त हुआ है तो ठेकेदार दूसरा पत्थर बनवाए या प्रशासन बनवाए और उसको उचित स्थान पर लगवा दे, नहीं तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए समाजवादी पार्टी बाध्य होगी। उन्होंने कहा है कि हम कार्यदायी संस्था को बोलते हैं कि वो लगाएंगे।